वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। देश के 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आ रहे हैं। 10 मार्च को प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो रहा है। आज हम आपको मतदान के बाद से मतगणना तक वोटों की गिनती का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। कितनी अभेद सुरक्षा में ईवीएम और पोस्टल की गिनती की जाती है और इसके क्या नियम हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि मतदान के बाद ईवीएम का क्या होता है। मतदान के खत्म होते ही सील बंद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को मतगणना केंद्र पर लाकर स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया जाता है। इसकी सुरक्षा 24 घंटे चाक चौबंद होती है। स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा सीआरपीएफ के जवान और पुलिस कर्मियों का सुरक्षा चक्र करता है। आमतौर पर राज्य निर्वाचन अधिकारी जिला मुख्यालय के अंदर मतगणना की एक जगह निर्धारित करते हैं, वहीं पर वोटों की गिनती होती है। मतगणना केंद्र में आरओ, मतगणना स्टाफ, उम्मीदवार, पार्टियों के इलेक्शन एजेंट और सरकारी अधिकारी मौजूद रहते हैं। मतगणना करने वाला स्टाफ और एजेंट काउंटिंग के पहले ईवीएम की जांच करते हैं। ईवीएम से पहले पोस्टल वोट गिने जाते हैं। पोस्टल वोट के आधे घंटे बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होती है। ईवीएम से उम्मीदवार और एजेंट्स को दूर रखने के लिए लकड़ी के बैरिकेड बनाए हुए होते हैं। मतगणना कर रहे कर्मचारी मतगणना एजेंट के सामने ईवीएम से वोटों की गिनती करते हैं। जैसे ही एक चरण के मतदान की प्रक्रिया पूरी होती है, मतगणना से जुड़े कर्मचारी सारी जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर को दे देते हैं। इसके बाद उस चरण के नतीजों का ऐलान किया जाता है। हर चरण के नतीजों की जानकारी चुनाव आयोग के सर्वर में फीड होती जाती है। वोटों की गिनती की ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है जब तक कि मतगणना पूरी नहीं हो जाती। मतगणना पूरी होने के बाद जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसे रिटर्निंग ऑफिसर जीत का प्रमाण पत्र देकर विजयी घोषित कर देते हैं। पोस्टल बैलेट को लेकर चुनाव आयोग का नियम है कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाए। पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ही ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू की जानी चाहिए, लेकिन विपक्षी नेता आरोप लगाते रहे हैं कि पोस्टल बैलेट की गिनती कई जगह पर बाद में कराई गई है। अखिलेश और जयंत ने 2022 में पोस्टल बैलेट को लेकर कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों से सावधानी बरतने की अपील की थी। बिहार में तेजस्वी यादव ने पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए थे। हालांकि इन सभी आरोपों को चुनाव आयोग की तरफ से निराधार बताया जाता रहा है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।